नमस्कार, चुनावी रण की इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हनुमानगढ़ जिले की पांचों विधानसभा सीटों के बारे में। जी हाँ, पांचों विधानसभा सीटें हनुमानगढ़ सीट, संगरिया, पीलीबंगा, नोहर और भादरा की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। कल दिनांक लास्ट दिनांक थी अप्लाई करने की, और जैसे कि आपको पता है कि 67, जैसे कि मैं देख भी पा रहा हूँ, 67 प्रत्याशियों ने भाग लिया है। यानी 67 प्रत्याशी पांचों विधानसभा सीटों से इस बार मैदान में हैं, और 77 नामांकन अप्लाई किए हैं। आप सोच पा रहे होंगे कि प्रत्याशी 67 है, अप्लाई किया है 77, तो कुछ प्रत्याशियों ने एक्स्ट्रा अप्लाई किया ताकि किसी विशेष स्थिति में उनका नामांकन अगर रिजेक्ट होता है तो उससे संभल सके। अब बात करेंगे हनुमानगढ़ विधानसभा सीट की। बिल्कुल, सबसे पहले चर्चा हनुमानगढ़ विधानसभा सीट के बारे में कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग मुकाबला होना है इस बार यहाँ, क्योंकि मैच दो के बीच नहीं चल रहा, इस बार तीसरे की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, हनुमानगढ़ विधानसभा सीट, एक तो सबसे लास्ट में बीजेपी ने टिकट फाइनल की। पहले चर्चा कर लेते हैं, बीजेपी से अमित चौधरी जी हैं, आप जानते होंगे अमित सऊ, कौन नहीं जानता, डॉक्टर राम प्रताप को कौन नहीं जानता, डॉक्टर राम प्रताप जी उनके बेटे हैं अमित चौधरी। और सामने हैं कांग्रेस से एक्सपीरियंस, फुल एक्सपीरियंस, विनोद चौधरी, वर्तमान में विधायक भी हैं, एमएलए हैं हमने। और तीसरी जो एंट्री हुई है ना, उसने मुकाबला ना इंटरेस्टिंग बना दिया, रोचक। मतलब नॉर्मली नीरस होता है, कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई जीत जाता है, इस बार थोड़ा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सामने तीसरा व्यक्ति आ चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गणेश राज बंसल। जो आंकलन लगा रहे थे कि बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी, एक निर्दलीय की वजह से थर्ड व्यक्ति जो वर्तमान में चेयरमैन हैं बिल्कुल हमारे शहर के, उनकी वजह से आंकलन नहीं कर पा रहा कि कोई कि क्या होने वाला है। देखते हैं, वो तो भी जनता बताएगी कि उनके दिल में क्या कुछ है, लेकिन फिलहाल मुकाबला त्रिकोणीय बना हुआ है। हाँ, 9 तारीख की अभी स्थिति क्लियर होनी है कि नामांकन कोई वापस लेता है या नहीं लेता, वो सोचने की बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि तीन बड़े खिलाड़ियों में से कोई वापस जाएगा। हाँ, बाकी अदर भी हैं, हम उनको कम नहीं आंक सकते, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, वो भी प्रयास करेंगे, लेकिन मुकाबला इनमें देखने को मिलेगा। कमियां और जो मुझे लगता है, मेरे हिसाब से पहले हम बात कर लेते हैं विनोद चौधरी जी की। विनोद चौधरी जी को जो फ़ायदा मिलेगा वो गहलोत जी का मिलेगा। गहलोत सरकार ने जो इतना बढ़िया कार्य किया है राजस्थान के अंदर, उसका प्रॉफिट मिलेगा। हाँ, गहलोत सरकार की जो कमियाँ हैं उसका उनको नुकसान मिलेगा। पेपर लीक सबसे बड़ी कमी है गहलोत जी की, और सीधा सीधा यहाँ भी उनको प्रॉब्लम आएगी, कन्फर्म आएगी, ठीक है। और हनुमानगढ़ रिपीट नहीं करता, हनुमानगढ़ कांग्रेस बीजेपी करता है, तो इस बार वो नेगेटिव पॉइंट है विनोद जी के पास। हाँ, एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि उन्हीं की पार्टी का व्यक्ति उनको छोड़ कर निर्दलीय अप्लाई कर चुका है, तो पार्टी टूटी है तो कांग्रेस के वोट भी टूटेंगे, ठीक है। कुछ पेट वोट हैं वो नहीं टूटने वाले, लेकिन कुछ हद तक प्रभाव पड़ेगा, तो इस कारण थोड़ा सा कम हुआ है कांग्रेस का। और बीजेपी की बात कर लेते हैं, बीजेपी की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हैं। पॉजिटिव ये है कि इस बार, पिछली बार हारे हुए थे, तो हनुमानगढ़ जनता अक्सर ये करती है कि जो पिछली बार हारता है उसको अगली बार जिता देते हैं, तो एक तो पॉजिटिव ही है। एक पॉजिटिव युवा चेहरा है, तो पॉजिटिव मिलेगा बिल्कुल, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ेगा। नेगेटिव, परिवारवाद चर्चा होगी बिल्कुल, लोग कहेंगे कि पिता को पहले मिली या पुत्र को दे दी, तो परिवारवाद के कारण नेगेटिव है। एक नेगेटिव अनुभव को लेकर भी हो सकता है, क्या, क्योंकि जितना अनुभव डॉक्टर राम प्रताप जी को उतना उनके बेटे को नहीं है, तो शायद कुछ नेगेटिव आ जाए, लेकिन पिता पुत्र के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अगर खड़े हैं तो शायद इम्पैक्ट ना आए। गाँवों से नहीं आएगा, शहर से कुछ से नुकसान हो सकता है, गाँव में बिल्कुल नुकसान नहीं होने देंगे। अब थर्ड की एंट्री, तीसरे व्यक्ति गणेश राज बंसल चेयरमैन, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट, सबसे पॉइंट ज़बरदस्त पॉइंट है कि उन्होंने ट्विस्ट ला दिया इस सीट के ऊपर। अगर वो नहीं होते ना, तो नॉर्मल नीरस मुकाबला था, बीजेपी कांग्रेस कोई भी एक जीत जाता है। उनके कारण एक इंटरेस्ट हुआ है इस चुनाव में, लोग देखेंगे कि भी किस ओर सोचेंगे, बिल्कुल सोचने मजबूर होंगे। कांग्रेस वाला सोचेगा, नॉर्मली कांग्रेस वाला कांग्रेस को दे देता है, और वो सोचेगा, बीजेपी वाला भी सोचेगा, किस लिए सोचेगा, क्योंकि शहर का जो विकास किया है ना चेयरमैन रहते हुए, वो पॉजिटिव पॉइंट है। व्यक्ति सोचेगा, क्योंकि अगर विकास की तरफ से देखेगा शहर का, हनुमानगढ़ का, रियल में आप जाकर निकल के देखोगे विकास तो हुआ है। हाँ, नेगेटिव क्या है, नेगेटिव हैं कुछ स्टेटमेंट्स, नेगेटिव है उन लोगों का जिनके घर टूटे हैं अतिक्रमण के कारण,
चाहे नगरपालिका ने तोड़े हों लेकिन जिनका घर उजड़ा है या जिनके टूटने वाले हैं, नेगेटिव पॉइंट है बिल्कुल, हाँ उसका समाधान निकाल लेते हैं। अगर जनता के दिल जीतना है तो उस चीज़ का समाधान निकालना पड़ेगा। 20 सालों से लोग रह रहे हैं, अगर उनका घर टूटा है या टूटता है विकास के नाम पर, तो भाई कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन आपको देखना पड़ेगा। आपका नेगेटिव पॉइंट ये है। दूसरा, गाँवों में उतनी पकड़ है या नहीं है वो तो दिन भी आने वाला टाइम बताएगा, पर मुकाबला जो है ना वो पूर्णतया इंटरेस्टिंग बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात देखनी होगी, कुछ बड़े बड़े नेता जो विधानसभा में इस बार अप्लाई नहीं किए वो किस ओर जाते हैं, ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हमारे पूर्व के नेता, चाहे वो मान के चलो कि चेयरमैन लेवल के भी नेता हैं वो, और वार्ड मेंबरी में तो हैं, और बड़े नेता, छोटे वार्ड मेंबर तो भागीदारी लेंगे लेकिन नेता वो किस ओर जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक पीछे एक ग्रुप चलता है, एक झुंड है, वो कितना अख्तियार कर पाते हैं। तो आने वाला टाइम यह देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट किस ओर जा रहा है। पार्टी के लिए पार्टी खड़ी है, बीजेपी का बीजेपी की तरफ सपोर्ट है, कांग्रेस का कांग्रेस की तरफ सपोर्ट है, और निर्दलीय को सपोर्ट कौन करता है ये सबसे देखने वाला मुद्दा रहेगा। हाँ, वोट बहुत ज़्यादा हैं, तीन हिस्सों में बंटते हैं तो पार्टियों को नुकसान तो हो रहा है, फ़ायदा जीतने वाले को तब मिलेगा कि वो अपने वोट को टूटने से बचाए। हमारी तीनों कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं हैं, उनके अलावा अदर कैंडिडेट्स हमारे, उनको छोटा नहीं आंकना चाहिए क्योंकि कुछ वोट तक वो नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन बुरा ना माने क्योंकि अभी आप नए हैं, अप्लाई अभी अभी चुनाव मैदान में हैं, उतना शायद ना कर पाएँ, आपकी जीत तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हाँ, कई बार बहुत भी आप पासे पलट दो तब अलग बात है, मैं आपको आलोचना नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप प्रयास करें, आप अपना प्लेटफॉर्म तैयार करें। चलिए आगे चर्चा कर लेता हूँ अदर सीटों की, पीलीबंगा विधानसभा सीट के बारे में। जी हाँ, मेरे पास आंकड़ा है पीलीबंगा विधानसभा सीट का, मुकाबला यहाँ भी रोचक है। बीजेपी के हैं पीलीबंगा विधानसभा सीट से धर्मेंद्र मोची जी, और बहुत जल्दी टिकट फाइनल हो गई थी क्योंकि वर्तमान में पीलीबंगा के विधायक भी हैं और साथ में टीबी के विधायक भी रह चुके हैं, तो इनका बीजेपी ने फाइनल कर दिया था। कांग्रेस से विनोद गोठवाल, देखना होगा कि इस बार चुनाव में क्या करते हैं। लास्ट ईयर तो थोड़ा निराशा मिली थी, इस बार पीलीबंगा की जनता के दिल में क्या है वो तो वही बता सकते हैं। अगर आप भी पीलीबंगा से तो कमेंट कीजिए, देखिए क्या कुछ है। और इसके अलावा नोहर विधानसभा सीट के बारे में अगर हम बात कर लें, नोहर विधानसभा सीट काफ़ी इंटरेस्टिंग बनी हुई है क्योंकि जो पिछली बार अमित चाचान जी ने किया था ना, उसके बाद थोड़ा सा मुकाबला ज़्यादा ही रोचक हो गया था। आपको मैं बता देता हूँ, अभिषेक मटोरिया जी के बारे में हमने बात करनी है, साथ में वसुंधरा राजे कल आए थे तो काफ़ी हुजूम उमड़ा था। तो नोहर विधानसभा सीट से बीजेपी के हैं अभिषेक मटोरिया और कांग्रेस के हैं अमित चाचान। नोहर की जनता ज़्यादा अच्छा बताएगी, कमेंट करें बताइए क्या कुछ है। बीजेपी की चर्चा हवा ज़्यादा लग रही है या कांग्रेस की लग रही है, मैं कुछ भी कमेंट नहीं करूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट का। तो दोनों आमने सामने हैं। और नोहर के बाद हम चलें थोड़े से आगे, भादरा चलते हैं, बलवान पूनिया। बीजेपी कांग्रेस दोनों को यहाँ से निराशा लग सकती है अगर उन्होंने अगर दमदार प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि माकपा के बलवान पूनिया जी माकपा से विधायक हैं यहाँ, और उनकी हवा बहुत ज़्यादा है वर्तमान में भी, फुलफुल है। और सामने कांग्रेस के अजीत बेनीवाल और भाजपा के संजीव बेनीवाल, अगर ये मेहनत करते हैं तो ये गढ़ ढहा सकते हैं माकपा का। देखना होगा कि वहाँ की जनता क्या करती है। देखो, जनता जनार्दन, बहुत कुछ डिपेंड करेगा जनता पर। इसके अलावा संगरी विधानसभा सीट काफ़ी इम्पोर्टेंट सीट, और इस बार तो कांग्रेस ने भी रोचक बना दिया है क्योंकि कांग्रेस ने अभिमन्यु पूनिया को लाके खड़ा कर दिया है, एक युवा यार। इतनी जल्दी कांग्रेस ने विश्वास किया है ना, तो इनको कुछ ना कुछ करके दिखाना होगा। अभिमन्यु पूनिया को, युवा हैं, 30 वर्ष NSUI के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, पहली बार मैदान में, पहली बार तो हो गई क्योंकि युवा हैं, इतना तो आपको भी पता है। लेकिन मैं अभिमन्यु पूनिया की सीट को देखूँगा कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये युवा अगर निकाल जाता ना सीट, तो देखो मैं केजी के बीजेपी सपोर्ट कर रहा हूँ, केजी के कांग्रेस कर रहा हूँ, तो मतलब मैं प्रत्याशी देख रहा हूँ। हाँ, इनके सामने गुरदीप सापिनी जी हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसधारी हैं, उनको कम नहीं आंक सकते आप, क्योंकि पिछली बार की सीट निकाली थी उन्होंने, विधायक हैं।
पर इस बार देखना होगा, क्योंकि कई बार युवा जो होता है ना वो बहुत काम करता है। हाँ, इनके कांग्रेस के सामने थोड़ा दिक्कत आएगी। अभिमन्यु पुनिया को अगर दिक्कत आएगी तो वो सीधे सीधे स्टेट की कारण जो पेपर लीक की घटना है ना वो थोड़ा सा नुकसान पहुँचाएगी। हाँ, हनुमानगढ़ विधानसभा सीट में एक फैक्टर और काम करेगा, किसान। बिल्कुल किसान काम करेगा। सिंचाई की जो प्रॉब्लम है ना हमारे यहाँ, पानी की समस्या, सभी को पता है कि मंत्री तक बनने के बाद भी प्रॉब्लम रही है, और जो किसान आंदोलन इम्पैक्ट है वो भी रहेगा। आम आदमी ने भी अपना डंका बजाने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक इतना आम आदमी का यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन हो सकता है कि आम आदमी जीते ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ वोटों को तोड़ के नुकसान पहुंचा दें बीजेपी कांग्रेस को, क्योंकि हवा बीजेपी कांग्रेस और भादरा माकपा जो हवा है अभी देखो बहुत जल्दी चर्चा है, किसी ने भी अपने दमखम दिखा सकते हैं। और आज की चर्चा से हो सकता है कि थोड़ा बहुत किसी का मैंने कम बता दिया हो, किसी का ज़्यादा बता दिया हो, भाई गलत मत मानना, क्योंकि अभी तक का जो आंकलन मैंने पिछला सर्वे देखा है उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और कोशिश है कि आगे आने वाले में आप अपने समीकरण बदल दें, आप अपना कुछ